अब कौन लगे वैसलीन है भैया, है तो लाओ बताओ, भेज दो भैया वैसलीन लगाई। अरे भैया बहुत ठंडी है, देखा तुम्हारा बंकी माँ ठंडी है, हाईवे चिटका जाती है ठंड के मारे, देखो हाईवे सुकरा जाती है चिटका जाती है। अब हम तो सुने रहन की कड़ाके की ठंड माँ एड़िया चिटकत है, गाल चिटकत है, ऊंट चिटकत है, लेकिन अब देखें कि हाईवे भी चिटका जाती है, देखो भैया चिटका जाती है। और बंबू पर माननीय जी के पोस्टर टंगे हुए थे। अब एक नहीं भैया, बस वगैरह पोस्टर है, पोस्टर तो लगे हुए थे, कई सारे पोस्टर लगे हुए थे, और राम द्वार में सभी जने भैया हाथ जोड़ करके स्वागत और अभिनंदन कर रहे थे कि आइए आइए अयोध्या में आपका स्वागत है, ये बाराबंकी राम द्वार है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत होना भी चाहिए। और NHAI को जिम्मेदारी दी गई है कि 20 जनवरी से पहले पहले भैया सारा काम निपटा देना, लेकिन हमका तो भैया देखा तो जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिखा। आप किस प्रकार है कमेंट कीजिएगा, बाकी इन सब बातों की पुष्टि हमने करी थन। अखबार में छपा रहा है कि देखो भैया रात दिन NHAI के अधिकारी लगे पड़े हैं हाईवे को संवारने के लिए, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा, 2,60,00,000 रुपए का बजट दिया गया है। अब बताओ भैया इतना रुपया खर्च किया जा रहा है हाईवे पर काम हो रहा, तो हम गैन मौके पर देखें जाकर के, देखो माननीय जी के पोस्टर तो बड़े खूबसूरत लगे हुए थे, लेकिन देखो हाईवे हमारा चिटका जाती है। अब जैसे तुम अयोध्या की ओर जाने लगोगे तो तुमको देखो भैया चिटके हुए हाईवे दिखाई दे जाएंगे। असैनी मोड़ से जैसे भैया तुम पुल के ऊपर चढ़ोगे और अयोध्या की ओर जाओगे, सामने देखो अभी वहाँ वैसलीन लाके लगड़ी या का करी तो जाकर के सवरेगा या का होगा, यूँ तो अधिकारी ही जाने, पर आप देख सकते हो कि देखो भैया पूरा चिटका जाती है। अब बताओ और वापसी में तुमको भी अगर अयोध्या से वापस आना तो देखो हाईवे किनारे किनारे हालत कैसा, बड़ा बड़ा गड्ढा तुमको दिख जाएगा किनारे किनारे भैया, देखो जो हरित वाली पट्टी होती है जो ये बकायदा भैया स्टील का लगा हुआ है, यूँ पूरा भैया घुसा जाती है, यूँ कब घुस जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब इस पर आपकी कार कमेंट कीजिएगा, बस हम दिखाई दे रहे हैं। और बाराबंकी जिले के सांसद उपेंद्र रावत जी का भी पोस्टर लगा हुआ था, तो हम इनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि आपको नितिन गडकरी जी शुभकामनाएं दे रहे थे ना हैप्पी बर्थडे की। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद श्री उपेंद्र सिंह रावत जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो नितिन गडकरी जी कितने प्यार से शुभकामनाएं दे रहे थे सांसद उपेंद्र रावत जी को, तो हम भैया सांसद जी से निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए आपको नितिन गडकरी जी से बातचीत होती रहती है तो कम से कम उनसे कहिए कि NHAI के अधिकारियों से बातचीत करें, और 2,60,00,000 रुपए का जो बजट दिया गया किस प्रकार से इसका यूज हो रहा है, कैसे काम हो रहा तनिक उसको देखें, ये कोई डिजाइन है या वाकई में चिटक गया है, इनकी भैया तनिक पुष्टि करें और हो सके तो संवारने का काम करें। हम बाकी भैया किसी पर टीका टिप्पणी या किसी पर आरोप नहीं लगा रहे थे, बस दिखा रहे थे कि हो सके तो तनिक लखनऊ अयोध्या हाईवे को वाकई में जमीनी स्तर पर संवारने का काम किया जाए। बाकी आपकी कार कमेंट कीजिएगा, दूसरी खबर देख ली थन। अब यूं था भैया छटका उड़न खटोला है, देखा तो बढ़िया घन घन के नाचत रहा है और बढ़िया यूरिया बरसावत रहा है, का बात है अब आसमान से यूरिया बरसाएगा। मामला बाराबंकी जिले हैदरगढ़ क्षेत्र का, जहां पर देखा तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कृषि विज्ञान हैदरगढ़ के भैया तमाम वैज्ञानिकों की मौजूदगी में इन्फो कंपनी वालों ने देखा तो भैया गाँव में जा करके बढ़िया गेहूँ की फसलों पर यूरिया बरसा रहे थे, छिड़का रहे थे, लाही टिकरा रोली हम गलत तरीके आपका दिखाई दी, वाह भैया वाह क्या बात है आसमान से यूरिया बरसेगा। अब इस पर आपकी कार कमेंट कीजिएगा, बाकी दूसरा खबर देख ली था। अब बाराबंकी के बंकी रेलवे क्रॉसिंग में भैया अगर हर दिन जाम ना लगे तो ऐसा हो नहीं सकता है, देखा तो भैया 2-3 घंटा खातिर बंद कर दिया था, अतने युद्ध स्तर पर काम चला कि पूछो ना, पता नहीं कौन सा काम है रहा, स्थानीय लोग बेचारे परेशान रहते हैं, आ जाए बड़ी दिक्कत हुआ था, कबो भैया फाटक बंद हो जाता है कबो खुल जाती है, कब खुला था कब बंद हुआ था, ये चक्कर में देखा तो लंबा जाम लग जाता है। और आज तक भैया माननीय जी यहाँ पर एक थोड़ी ओवर ब्रिज नहीं बनवा पाए, इनका ही बताएं भैया देखा तो बड़ी दिक्कत बड़ी समस्या है, स्थानीय लोग वीडियो बना बना सोशल मीडिया पर वायरल क्या करते हैं और देखो कितनी संख्या में लोग दिखत रहे हैं। अब बताओ बंद हुए वाला है तो भी दिक्कत है, कैसे बंद करें कैसे खोलें, हाय रे भैया बड़ा हल्ला मचा करत है, बेचारे सब पीपी बजाओ करत है, हम गलत तो नहीं आपका दिखा दी कि देखो लंबा जाम लग गया है बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर। अब आपकी कार कमेंट कीजिएगा, बाकी दूसरा खबर देख ली था और वायरल वीडियो की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करी था। अब देखो बाराबंकी जिले के छाया चौराहे पर समाजवादी पार्टी दफ्तर है और यहाँ पर देखा तो खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया था, इस दरमियान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद सिंह गोप जी पहुंचे रहे, बढ़िया खिचड़ी खा रहे हैं, उनके साथ देखा तो लोकप्रिय विधायक सुरेश यादव भी दिखाई देते हैं और पीछे देखो नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सुरेंद्र चचा भी नायू, देखो भैया मजे से खिचड़ी खा रहे हैं और इनका देखे हाफी जाए और हैं कह रहे भैया चम्मच से खाओ चम्मच से खाओ, चम्मच ने हाथ से खाने में बड़ा मजा आता है। और इधर देखो वीरेंद्र प्रधानों दिखाई देते रहें, कुलदीप और रहें, बहुत जने भैया सपा के नेता उपस्थित रहें, सब जने खिचड़ी का आनंद लिए रहें और आसमान में देखो सूरज चचा चमचमा रहे थे, इधर देखो राम गोपालो दिखाई देते रहें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शम्मा साहजी खबर सिपर मिलेगी तो बेल आइकन दबा दो। बाकी हम कहला तो नहीं आपको बता दी कि बाराबंकी जिले के छाया चौराहे पर समाजवादी पार्टी की ओर से खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया था, तो खाओ भैया खाओ पेट भर के खिचड़ी खाओ मजे से खाओ क्या बात है, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर डालो।